बूंदी के कोड़किया गांव में सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान कुल्हाड़ी से किए गए वार से गंभीर रूप से घायल हुए युवक बनवारी लाल का इलाज कोटा के निजी अस्पताल में जारी है। इस वारदात के बाद कोटा में भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी ओम बिरला और प्रहलाद कुंजल भी घायल बनवारी लाल की कुशलक्षेम पूछने अस्पताल पहुंचे। उन्होंने परिवारजनों से बातचीत कर घटना की निंदा करते हुए आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। भाजपा प्रत्याशी ओम बिरला और कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद कुंजल ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर परिवारजनों और चिकित्सकों से बात की। उन्होंने परिवार की सुरक्षा भी उपलब्ध कराने की मांग की है। साथ ही इस पूरे मामले में पुलिस उपाधीक्षक आशीष भार्गव ने बताया है कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 3 टीमें गठित कर अपराधी की तलाश में कई जगहों पर दबिश दी है। जल्द ही आरोपी गिरफ्त में होगा। बहुत ही दुखद घटना है। मैंने देखा कि किस तरीके से उस पर वार किया है और दुर्घटना बहुत पीड़ादायक भी है, मन को दुखी करती है। और जिस तरीके की अपराध किया है, जघन्य अपराध है। बैठे व्यक्ति पर कुल्हाड़ी से वार करना, दोषियों के खिलाफ और इसकी संपूर्ण प्रकरण की जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ये घटना घटी, एक सभी इलाके के अंदर एक दहशत का वातावरण पैदा हो चुका है। किसी को बेवजह इस तरीके से हमला करके घायल कर देना तो गलत है। और मैंने अभी SP साहब बूंदी से बात की, अविलंब जो भी हो उसको गिरफ्तार तो शायद कर ही लिया है, और इसके पीछे अगर मान लो कोई खेल है तो जांच करके उनको भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए और परिवार की सुरक्षा की पुलिस पुख्ता इंजाम करे, मैंने मांग की। डॉक्टर से भी बातचीत हुई है अभी? क्या डॉक्टर साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा पहले इसका जीवन बचना ज़रूरी है। डॉक्टर्स प्रयास कर रहे हैं, हम सब भी भगवान से प्रार्थना करेंगे। कई बार दवा से ज़्यादा दुआ काम कर जाती है।